क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्वाड्रेटिक फंक्शन अलग चीज़ होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन अलग चीज़ होती है. तो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको जस्ट देखने वाले हैं और इसके बारे में सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं. अच्छा, इससे पहले मैं एक नॉर्मल से डेफिनेशन दे देता हूँ दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. नॉर्मल से डेफिनेशन दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो यहाँ से देख ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन कुछ गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ये क्या है, इज क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड व्हेन क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेटेड टू जीरो अच्छा, जब क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वल में जीरो लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वल में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं. और वो जैसे कि आप यहाँ देख लीजिएगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन था, इसके इक्वल टू जीरो लगाते ही क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो ये आपकी हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी.